बच्चों का फेस्टिवल है और हर हर इंसान के अंदर बड़ों का भी है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर बच्चा तो होता ही है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। कुछ चाहिए अभी, क्या चाहिए? हमारे फैंस ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ना ही सिर्फ किसी एक कंट्री में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है और सब में इंडिया लीड, इंडिया का सबसे नंबर वन शो और पूरे वर्ल्ड में सेवन्थ पे बालवीर ट्रेंड कर रहा है गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे बालवीर की टीम के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड एस्पेशली फॉर मी जो पिछले 8 साल से इस कैरेक्टर को निभा रहा हूँ। और 2012 में जब ये शो स्टार्ट हुआ था तब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन थैंक यू सो मच हमें एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इस बार कुछ चाहिए अभी, क्या चाहिए? ओके हाँ, मुझे ना इस बार ये चाहिए कि ना बालवीर सुपर डुपर हिट हो, पिछले बार से भी ज़्यादा, ट्रिपल, बहुत ज़्यादा। हाँ, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे बालवीर की पूरी बच्चा पार्टी है और हम यहाँ पे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे थे और क्रिसमस मनाने की बस तैयारियाँ ही चल रही थी, बस मज़ेदार है, बच्चों का फेस्टिवल है और हर हर इंसान के अंदर बड़ों का भी है। सबका फेस्टिवल है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर बच्चा तो होता ही है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो इसलिए ये फेस्टिवल हम यहाँ पे सेट पे मना रहे हैं। अरे बचपन से तो मैं अभी जैसे 19 साल का हूँ तो लास्ट 19 ईयर्स से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं मैंने चिट्ठी लिखी है और गिफ्ट्स मांगी है, तो बहुत ही स्पेशल रहा ये फेस्टिवल मेरे लिए। न्यू ईयर होता है तो एक्साइटमेंट होती है कि सेंटा क्लॉज क्या गिफ्ट देंगे, धीरे धीरे फिर हर साल नई नई गिफ्ट्स मिलती है, हम ऑप्शंस भी देते हैं कि इन तीनों में से कोई एक गिफ्ट दे दो तो भी चलेगा, तो बस वो गिफ्ट मिलती है, खुशी मिलती है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत ही भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही सेंटा क्लॉज आपको हेल्प करते हैं और ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, आपको एक वो फीलिंग भी आती है कि आपको एक अच्छा बच्चा बन के रहना है पूरे साल, तो आपको ईयर के एंड में एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिलेगी। सो इस बार तो पता है मेरे सेंटा क्लॉज को मुझे क्या गिफ्ट चाहिए और वो मुझे दे भी देंगे। यस है ना, या ऑलरेडी जो छोटे थे तभी उनको सेंटा क्लॉज से चॉकलेट लेना अच्छा लगता था और वो 25th और 26th के आसपास सोच के लेटर लिखते थे और पिलो के नीचे रख के फिर सो जाते थे और हम चुपके से लेटर ले लेते थे, यानी इनके सेंटा क्लॉज ले लेते थे और फिर उनको 31st को गिफ्ट मिल जाता था, है ना? यस। और फिर वो गिफ्ट मिल जाता था, वो या फिर बेड के नीचे होता था या फिर घर के दरवाजे के बाहर होता था और साथ में एक लेटर रहता था कि आपने लेटर तो लिखा है मगर आपने ये गलतियाँ भी की थी तो नेक्स्ट ईयर ध्यान रखेंगे। यस। सो सबसे बेस्ट गिफ्ट, मैं 7 या 8 साल का था और मुझे ट्रेन सेट मिला था जो आज भी मैं खेलता हूँ और बहुत बड़ा ट्रेन सेट है, लगभग इस हॉल जितना बड़ा ट्रेन सेट है, बहुत बहुत बड़ा है और मतलब जितना आप उसे लंबा करो उसे गोल घुमाते रहो तो बहुत ही बड़ा है और मेरा ड्रीम था, मेरे बर्थडे पे चाहिए था मुझे लेकिन पेरेंट्स ने नहीं लेके दिया था, लेकिन सेंटा क्लॉज ने मुझे लेके दिया था तो मिल गया था मुझे, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से तो मिल ही गया था। यस। मुझे ये चाहिए कि हम सारे अपने फैंस को खुश करते रहें एंड हम लोग उनको और हंसा पाए एंड जितने वो हमसे इंटरेक्ट होंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। अरे बाप। जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस टाइम हमें ज़्यादा TRP भी मिले। मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट चाहिए डॉल हाउस और आपको?
मुझे बालवीर के लिए और फैंस चाहिए और मुझे एक टेडी बेयर चाहिए बड़ा वाला। हाँ मुझे भी चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारी विश है, कौन सी पहले बोलूँ। इस विश को हम लोग फर्स्ट एक फैमिली टूर पे जाना चाहते हैं, तो देव के साथ, तो वो अगर छुट्टी मिल जाए तो जाएंगे। ये गिफ्ट ना ही किसी एक इंसान ने हमें दिया है, ना ही किसी एक कम्युनिटी ने या फिर किसी एक देश ने दिया है, बल्कि कहते हैं ना, आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। बस वही चीज़ है, पूरी दुनिया ने हमें प्यार दिया है। बालवीर ग्लोबली 7th नंबर पे है इंडियन टेलीविज़न शोज़ में, 1st नंबर पे है, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पूरी क्रू के लिए और ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि पिछले 8 साल से जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसे लोगों ने इतना प्यार दिया है। जब शो स्टार्ट हुआ था 2012 में तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन फिर इतना ज़्यादा प्यार इसे हर साल मिलता रहा। लास्ट ईयर ये इंडिया में टॉप 5 में था और इस बार ये वर्ल्ड में टॉप 10 पे हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको न्यू ईयर की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, एंड हैप्पी न्यू ईयर, मैरी खुश रहो सब, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो सब लोग, खुश रहो।